गाइस वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी स्पेशल विद कैशियस। मैं कैशियस आपके साथ हूँ 15 साल नीट क्वेश्चन पेपर की सॉल्विंग आंसर के साथ। तो ये हमारा चौथा चैप्टर लॉस ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं 15 साल के अंदर लॉस ऑफ मोशन के किस किस क्वेश्चन पे आए हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास एम हिट्स नॉर्मली ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी वी एंड बाउंस बैक विथ द सेम वेलोसिटी इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। तो क्या बोला है यहाँ पर, ये एक रिजिड वॉल है, यहाँ पर एक बॉडी ऑफ मास m वी स्पीड में आया एंड उतना ही स्पीड में बैक हुआ। इसका मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास m, देन फाइंड द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। इम्पल्स का मतलब क्या है, एफ इक्वल टू हमें पता है ए, ए के जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी टू माइनस वी वन बाय टी टू माइनस टी वन। तो एफ इंटू टी टू माइनस टी वन दैट इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन। तो ये जो हुआ ये होगा इम्पल्स दैट इक्वल टू आई। तो मुझे इम्पल्स का मतलब मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन। वी टू है फाइनल वेलोसिटी, वी वन है इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोला है क्वेश्चन में, विथ वेलोसिटी वी एंड बाउंस बैक विथ द सेम वेलोसिटी। तो वी टू जो आएगा वो क्या है, माइनस वी आई कैप, क्योंकि रिबाउंड हुआ है। वी वन क्या होगा, टूअर्ड वॉल, तो वी आई कैप। तो अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस वी आई कैप माइनस भी एम भी आई के। तो क्या हो गया, आई इक्वल टू माइनस टू एम भी आई के। तो मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, इसका मोड आ गया टू एम भी। तो ये हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन क्या दिया है, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है, अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, मान लो ये हाफ है, अपर हाफ जो है वो है कि स्मूथ बोला गया है। इसका मतलब इसका म्यू जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन इस यहाँ पर से स्टार्ट हुआ है जो कि रेस्ट था, विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, यहाँ पर आकर रेस्ट हो गया। If the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by, तो क्या बोला गया है, एक inclined surface है जिसका ये inclination angle है theta, half plane smooth है and half plane rough है, and ये जो body पहले rest से शुरुआत होकर move करने लगा, मूव होकर यहाँ पर अंत में आकर क्या हो गया, फिर से रेस्ट हो गया। तो पूछा है ये जो रफ प्लेन का कोफिशियंट कितना है। ओके, देन ये जो वार्डन में इसका टोटल वार्डन पूछूंगा तो क्या होगा, टोटल वार्डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो ये इनिशियल क्या था, रेस्ट में था, फाइनल भी क्या हुआ, रेस्ट में चला गया। मान लो कि इसका जो लेंथ है टोटल लेंथ 2L, तो ये जो स्मूथ का जो लेंथ हो जाएगा ये L हो जाएगा एंड ये रॉक का जो लेंथ हो जाएगा ये भी एल हो गया।
okay. So total work done equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy means half m final ka velocity square minus half m initial ka velocity square. Then v ka value 0, u ka value 0, 0 minus 0 that equal to 0. Then ye inclined surface mein shuruat se lekar last tak इसका जो टोटल वर्क डन जीरो है. मैं ऐसे लिख सकता हूं टोटल वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स. हाँ कि नहीं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं. ओके okay? मान लो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया. ओके okay? इसका जो फोर्स हुआ वो हो गया यहां पर mg. यहां पर जो आ रहा है ये हो जाएगा mg sin थीटा. यहां पर जो नॉर्मल फोर्स आया है ये होगा mg cos थीटा. तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होगा? म्यू इनटू n. मान लो इस रॉक प्लेन का कोफिशिएंट म्यू है एंड ये n जो है नॉर्मल फोर्स, तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा. अब वर्क डन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है एफ डॉट एस. ओके तो एस एफ तो हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा. एस का मतलब एल लेंथ है रॉक प्लेन का, जो डिस्टेंस है वो एल है. हाँ कि नहीं. एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स इसका जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन एंड ये बॉल, ये जो ब्लॉक का मूविंग का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो एफ डॉट एस के आधार पर माइनस हो जाएगा. थैंक यू. नहीं तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो गया? ये स्मूथ सरफेस में म्यू जीरो है, तो वर्क डन ड्यू टू स्मूथ प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन रफ. तो स्मूथ तो जीरो होगा, रफ का क्या होगा? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल. अब देखेंगे ग्रेविटी फोर्स क्या होगा. ग्रेविटी फोर्स जो काम कर रहा है एम जी साइन थीटा, वो स्मूथ सरफेस में भी काम करेगा, रफ सरफेस में भी काम करेगा. तो इसका जो हो गया वो एफ डॉट एस. तो एफ क्या है? एम जी साइन थीटा. एस क्या है? टू एल. तो ग्रेविटी के वजह से टोटल फोर्स क्या हो, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा टू एल. ओके देन अब यहां पर पुट कर लो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी. हाँ कि नहीं. तो डब्ल्यू एफ का वैल्यू क्या आ गया? माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा एल प्लस एम जी टू एल कॉस थीटा या साइन थीटा. एम जी टू एल साइन थीटा. दिस टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी That equal to zero. तो मैं यहां पर जीरो डाल सकता हूं. ये वाला जो माइनस है इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो कैसा हो गया? एम जी टू एल साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा एल. एल एल कैंसिल, एम जी कैंसिल. तो क्या बचा? टू साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा. तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा टू टेन थीटा. हमारा आंसर टू टेन थीटा. ओके फाइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्सप्लोजन ब्रेक ए रॉक इनटू थ्री पार्ट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. टू ऑफ देम गो अप एट राइट एंगल टू ईच अदर.
The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with 8 meter per second speed. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then it's mass. एक जो रॉक था वो क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। तो एक इधर गया एक उधर गया, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री बोला गया है। तो ये हो गया मान लो फर्स्ट पार्ट जो कि M1, ये हो गया M2, ये हो गया 1 kg, ये हो गया क्या 2 kg। इसका जो स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, इसका जो स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा जो ऑब्जेक्ट उसका स्पीड दे दिया M3 का, जो स्पीड दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, देन इसका M3 का वैल्यू पूछा गया है। तो जब दो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री में मूव करने लगेंगे, ये एक रॉक था जो कि एक्सप्लोजन हो गया, तो मैंने चेक कर सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम दैट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब यहां पर एक इनिशियल स्टेट में इसका वेलोसिटी जीरो था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम P1 P2 प्लस P3। मुझे P3 मींस M3 का डायरेक्शन ऐसे लेना है जैसे कि इसका जो रिजल्टेंट उसको कैंसिल कर पाएगा। देन एक्सप्लोजन केस में तीन ऑब्जेक्ट होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसी डायग्राम जैसे होगा, एक आई कैप के हिसाब से, एक जे कैप के हिसाब से, एक के कैप के हिसाब से। आ गया बात समझ में? ऐसे डायग्राम मैंने क्यों किया, क्योंकि M1 एंड M2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड इसी डायरेक्शन का, इसी रिजल्टेंट का ये कैंसिल करने वाला है, इसलिए मैंने इसका अपोजिट डायरेक्शन ले लिया। तो तीनों का कंपोनेंट को मैं मिला दूं तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, देन M1 V1 आई कैप, M2 V2 जे कैप, M3 V3 के कैप। ओके, M1 क्या है 1 kg, V1 क्या है 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 4 M3 के कैप। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 M3 के कैप, दैट मींस नेगेटिव ऑफ 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो 4 M3 इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट ओवर, हाँ कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 256, 144 प्लस 256 का रूट ओवर, देन 400 का रूट ओवर, दैट इक्वल टू 20। 4M3 हो गया 20, तो M3 क्या हो जाएगा 20/4, दैट इक्वल टू 5 kg। वो जो थर्ड ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा 5 kg। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन ए कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट्स ए बेंक्ड कर्व ऑफ रेडियस 90 meter ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड। इफ द बेंकिंग एंगल इज 45 degree, देन स्पीड ऑफ द कार। ये जो एक रोड है, बेंडिंग रोड है, इसका एक बेंकिंग है, बेंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपने, हाँ। ये जो बेंकिंग का जो एंगल है वो है थीटा। यहाँ पर एक गाड़ी जा रहा है जिसका की रेडियस है 90 meter, एंड इस गाड़ी का मास है, कार का मास है 1000 kg। तो जब ऐसे बेंकिंग में होता है तो इसका सॉल्व कैसे होगा, देखो ये एक रोड है, यहां पर बैंक्ड हुआ है, बैंक्ड हुआ है मतलब क्या,
जो एक सड़के होते हैं ऐसे प्लेन होते हैं, बट टर्निंग में एक्सीडेंट कम होने के लिए, एक्सीडेंट को कमा घटाने के लिए ये रोड को थोड़ा उठाया जाता है। इस जो एंगल है, ये जो उठाने का जो एंगल है, ये हो जाता है थीटा। तो वो पूछा गया है कि इसका फंक्शन कैसे होता है, फंडामेंटल क्या है। देखो ये ऑब्जेक्ट, इसका ये होगा वेट फोर्स mg, ये सरफेस में ये कांटेक्ट हुआ है, तो ये इसका जो कांटेक्ट फोर्स है ये है n, एंड ये हो गया क्या थीटा। इसका दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला एंड ये वाला। ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, देन ये वाला कंपोनेंट हो गया n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। यहां पर और एक फोर्स हो रहा है, क्योंकि यहां पर जैसे कि ये सर्कुलर पाथ है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इस तरफ एक्ट करेगा, तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा m v स्क्वायर / r। तो n साइन थीटा इक्वल टू एक्सीडेंट ना होने के लिए, सेफ्टी जाने के लिए इस कंपोनेंट के साथ बराबर होगा, इस कंपोनेंट इस अमाउंट के साथ बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये वाला एम एम कैंसिल, एन एन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय v square by r by g, ओके है कि नहीं, बराबर हुआ कि नहीं, दैट मीन्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर जी टेन थीटा, देन वी हो गया रूट ओवर आर जी टेन थीटा। अब इसका वैल्यू डाल दो, R का वैल्यू क्या है 90 मीटर है, G का वैल्यू क्या है 10 है, 10 क्या 10 45 का वैल्यू 1, तो 900 रूट ओवर दैट इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लो सर्कुलर ये, इसका जो रेडियस है आर है, एंड जो म्यू है रिप्रेजेंट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर ऑफ द कार, ये जो कार चल रहा है इसका जो टायर है इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है म्यू, ओके। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इन सर्कुलर मोशन, तो मैक्सिमम स्पीड क्या, मैक्सिमम स्पीड मतलब जहां पर ये सेफ्टी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मतलब सेफ्टी स्पीड, वो कितना स्पीड तक चल पाएगा, जैसे कि ये जो कार सर्कुलर ट्रैक से हटेगा नहीं, तो सर्कुलर ट्रैक से नहीं हटने के लिए क्या होगा, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इस टायर के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स, वो दोनों क्या बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स दैट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो ये हो गया इसका क्या वेट फोर्स mg, तो ये हो गया इसका नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन दैट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एन क्या है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या है वेट फोर्स, जो कि म्यू एम जी दैट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम एम कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू आर म्यू जी, इसका रेडियस दिया है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ही ले लो, क्या लेना है कैपिटल आर ही लेना है, तो वी इक्वल टू रूट आर म्यू, म्यू के जगह पर क्या दिया है म्यू एस दिया है म्यू एस जी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। थ्री ब्लॉक विथ मासेस m, 2m, 3m आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, फिगर के जैसे दिया है तीन मास ऑब्जेक्ट
स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक एम, एम को एफ फोर्स से ऊपर खींचा गया। द मासेस मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्पीड वी, कॉन्स्टेंट स्पीड क्या हो गया वी। ड्यू टू एफ ये तीनों ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। द मासेस मूव अपवर्ड एट कॉन्स्टेंट स्पीड वी। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? तो ये जो 2m के ऊपर नेट मास क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? ऑल आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं? सो नेट फोर्स ऑन ऑल ब्लॉक आर ब्लॉक्स आर जीरो। एम ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो, टू एम के ऊपर नेट फोर्स जीरो, थ्री एम के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। ओके, आ गया ना मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज इन ए कॉन्टैक्ट विद द कार्ट सी एज शोन इन द फिगर। द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सैटिस्फाइज। तो हमें सर्कस में दिखाए कि हाथ में ऐसे कॉइन को रखकर वो ऐसे घुमाएंगे जैसे गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर भी फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। कैसे फिजिक्स अप्लाई हो रहा है? ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट कर लिया, एंड ये जो कार्ट, ये जो व्हीकल, इस व्हीकल को मैं इतना एक्सेलरेशन में दौड़ाया जैसे कि ये जो कॉन्टैक्ट में रहा हुआ ब्लॉक नीचे गिरेगा नहीं। तो कैसे होगा? जब ये एग्जैक्ट इस अल्फा एक्सेलरेशन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो नीचे क्या फोर्स हो रहा है, एम जी फोर्स, वेट फोर्स नीचे होगा ही। तो इससे गिरने के लिए कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। एंड ये जो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन। म्यू हो गया क्या कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट, एन क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी डायरेक्शन में अल्फा एक्सेलरेशन में जा रहा है। तो यहां पर कौन सा फोर्स होगा, एम अल्फा। तो क्या होगा, एन इक्वल टू एम अल्फा। तो ये जो ऑब्जेक्ट कब तक नीचे नहीं गिरेगा, जब तक फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, वेट फोर्स होगा। वेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा। यहां पर स्टेबल रहने के लिए इधर फ्रिक्शन फोर्स को इसके साथ इक्वल होना होगा और ग्रेटर देन होना होगा। ओके, देन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, सूडो फोर्स, जो कि एम अल्फा। एम एम कैंसिल, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विथ एन रेगुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक कॉइन इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। ये ग्रामोफोन है, देखे होगा ग्रामोफोन जो कि सीडी के तरह होता है। एक कॉइन को इसको ऊपर रख लिया, यहां पर रख लिया, ओके, जो कि आर डिस्टेंस में है। ओके, एंड इसका जो स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन है, द कॉइन विल रिवॉल्व विथ द रिकॉर्ड इफ। ये कॉइन भी इस ग्रामोफोन जैसे रिवॉल्व हो रहा है, ये कॉइन को भी उसी तरह रिवॉल्व होना है।
इस कॉइन बाहर नहीं आना चाहिए। तो बाहर कब तक नहीं आना होगा, नहीं आ पाएगा, जब तक इसका जो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा किससे, जब तक इसका जो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये यहां पर घूम रहा है तो ये कहां पर एक्ट होगा, बाहर आने के लिए एक्ट होगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। बट इससे कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है, इससे फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। एंड फ्रिक्शन फोर्स का हमें पता है म्यू इंटू एन ग्रेटर देन सेंट्रिपिटल फोर्स का हमें पता है। क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स, एम वी स्क्वेयर बाय आर। वी इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो एम वी स्क्वेयर बाय आर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाय आर, दैट इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या है, वेट फोर्स। तो म्यू कॉइन का जो मास है इंटू जी, दैट शुड ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वेयर। एम एम कैंसिल, किसका रिलेशन पूछा है, आर हमेशा लेस देन क्या होगा, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वेयर। ओके देन कौन सा आंसर होगा, देखो इक्वल क्यों नहीं होगा, इक्वल क्यों नहीं होगा ये भी सवाल आ सकता है माइंड में। ओके तो यहां पर तीन तीन केस हो सकता है, चलो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्या होगा, म्यू जी ग्रेटर देन आर, म्यू जी ओमेगा स्क्वायर इक्वल आर, म्यू जी ओमेगा स्क्वायर लेस देन आर। ओके इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स से सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से कम है। यहां यहां से देखते हैं, जब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो ये जो कॉइन है बाहर चला जाएगा, तो ये कॉइन कॉइन इसके ऊपर रहेगा ही नहीं, ये हो गया कैंसिल। इफ फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ओके फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा और इक्वल होगा। इक्वल होगा तो क्या होगा, ये इस जगह पर ही रहेगा, थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं। ये होगा तो ये कॉइन अंदर तक जा सकता है, क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके अंदर तक उसे ले सकता है। ऑप्शन ये होगा और ऑप्शन ये होगा। हमें क्वेश्चन दिया है, द कॉइन विल लिवर विथ द रिकॉर्ड, मींस ये जो ग्राम फोन जैसे रिवॉल्विंग हो रहा है उसी पोजीशन में ही रिकॉर्ड होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कि ये नहीं, ये पता हुआ कि क्यों आर इक्वल टू म्यू जी ओमेगा स्क्वायर हुआ। सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, यही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इक्वल और लेस देन, तो यही हमारा ऑप्शन है। ओके आगे बात समझ में, ये ऑप्शन होगा कि नहीं, क्योंकि आर इक्वल टू म्यू जी ओमेगा स्क्वायर दिया है, पर हमारा क्या आया है, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 सेकेंड टू 8 सेकेंड। तो हमें पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इक्वल टू एफ टी टू माइनस टी वन। तो चेंज इन मोमेंटम ये हो जाएगा एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ का एरिया जो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। देन इसका जो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मान लो ये ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ।
क्या होगा, किस किस का एरिया? एरिया ऑफ OAB, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ इसका एरिया क्या, BCDE प्लस एरिया ऑफ EFGH इसका एरिया। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, ये रेक्टेंगल का एरिया 2 × 3, बट ये क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि ये एक्सेस इसके नीचे है। प्लस एरिया ऑफ EFGH 3 × इसका जो लेंथ क्या है, 4 से 8, 4, तो 2 2 कैंसिल, 6 − 6 + 12, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन सेकेंड। एफ हो गया न्यूटन के लिए, सेकेंड हो गया टाइम के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ए बेलून विथ मास एम इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ए, इफ एक्सीलरेशन लेस देन जी, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सीलरेटिंग ए। मान लो कि ये जो बेलून है, इसका जो मास है एम, यहाँ पर वेट फोर्स होगा एम जी, यहाँ पर अपवर्ड अप थ्रस्ट हो जाएगा एफ, एंड ये कैसे मूव हो रहा था, ए एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड मूव हो रहा था। मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा मास रिमूव कर लिया, कितना मास रिमूव कर लिया, एम डैश मास रिमूव कर लिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो बेलून मास क्या हो जाएगा, m − m′, ये ऊपर उड़ने लगा। कैसा उड़ने लगा, ऊपर उड़ने लगा, तो इसका जो वेट फोर्स हो जाएगा क्या, m − m′ × g। ये जो ऊपर उड़ने लगा कितना एक्सेलरेशन में, a एक्सेलरेशन में उड़ने लगा, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसी के आधार पर इक्वेशन क्या होगा, mg − a = ma, तो mg − ma = f। इसके आधार पर क्या होगा, ये ऊपर उड़ रहा है तो इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा, इससे अमाउंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं इसका इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, f − m − m′ × g = m − m′ × a। तो खोल दो, −mg + m′g = ma − m′a। f के जगह पर मैं ये डाल सकता हूं, क्या हो जाएगा, mg − ma − mg + m′g = ma − m′a। ये −mg and + mg गया, काम खत्म। ये जो बचा, क्या क्या बचा, हमें किसका वैल्यू लाना है, m डैश का वैल्यू लाना है, तो m डैश को एक तरफ, m को एक तरफ, −ma − ma = −m′a − m1g, सारे के सारे माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2ma = m′a + g, तो m डैश क्या हो जाएगा, 2ma / g + a, हमारा आंसर ये आ गया ना क्वेश्चन, बात समझ में आ गया ना, नहीं समझ रहा है तो बार बार रिपीट करके देखो, आई एम श्योर कि ये जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1, m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुल्ली पी, द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल जिसका की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, द पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 इज। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टेंशन, इधर हो जाएगा टेंशन, इसका जो वेट फोर्स होगा mg होगा,
क्योंकि एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू एम, मैंने सारे एम वन एम टू एम थ्री को एम मान लिया, तो क्या हो जाएगा, मान लो ये एम वन है, बाद में पुट करेंगे, एम वन जी माइनस टी दैट इक्वल क्या हो जाएगा एम वन है, क्योंकि इसका जो फोर्स है ये ज्यादा है टी से हिसाब से, तो एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन है। यहां पर क्या समझ में आ रहा है, एम टू एंड एम थ्री कैसे मूव कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं, तो एम टू ए प्लस एम थ्री ए दैट इक्वल टू टी, इसके साथ इनका जो कोफिशियंट ऑफ फोर्स है ये अपोजिट मूव हो रहा है, तो कोफिशियंट फोर्स क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन इंटू म्यू इंटू एम जी, तो म्यू इंटू एम टू जी माइनस म्यू इंटू एम थ्री जी, हमें ये दिया दे चुका है एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू एम, तो क्या हो जाएगा टू एम ए इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, टू एम ए इक्वल टू टी माइनस टू म्यू एम जी, तो टी इक्वल टू टू एम ए प्लस टू म्यू एम जी, हो गया कि नहीं, देख इस इक्वेशन टू पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, ये टी का जो वैल्यू है इस टी का वैल्यू को इक्वेशन वन पे डालो, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन क्या है एम जी माइनस टी, टी के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं टू एम ए प्लस टू म्यू एम जी दैट इक्वल टू एम ए, तो क्या हो जाएगा एम जी माइनस टू एम ए माइनस टू म्यू एम जी दैट इक्वल टू एम ए, ये जो माइनस टू एम ए इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस थ्री एम ए, तो एम जी माइनस टू म्यू एम जी दैट इक्वल टू थ्री एम ए, ये एम 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 कैंसिल हो गया बाद में, ओके तो क्या बचा जी माइनस टू म्यू जी दैट इक्वल टू थ्री ए, जी कॉमन ले लो वन माइनस टू म्यू इक्वल टू ए, ये तीन क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, आ गया आंसर ऑप्शन थ्री, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन ए ब्लॉक ए ऑफ मास एम वन रिसेट्स ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल, एक टेबल दिया है, ओके क्या है ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास एम वन, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट्स पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, एक पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग पास हुआ है, एट द एज ऑफ टेबल, एज टेबल की एज में है, एंड फ्रॉम इट्स अदर एंड अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास एम टू, अनदर बी ब्लॉक यहां पर कनेक्ट हुआ है जिसका मास है एम टू, द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू के, इसका जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू के, व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बहुत आसान है, कुछ भी टेंशन वाले की कुछ भी जरूरत नहीं है, तो यहां पर जैसे एक स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा मान लो टी, ये जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड हो रहा है, तो ये स्लाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो मान लो ये ए एक्सेलरेशन में स्लाइड हो रहा है, तो इसका जो वेट फोर्स है वो हो जाएगा एम टू जी, तो मैंने ये लिख सकता हूं एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, ओके देन इसको मैं कैसे लिख सकता हूं टी इक्वल टू एम वन ए, और एक क्या है जो कोफिशियंट फोर्स इसका अपोजिट आ रहा है, तो टेंशन का क्या हो रहा है अपोजिट माइनस एम वन म्यू जी प्लस टी इक्वल टू एम वन ए, अब क्या करना है इन दोनों को ऐड कर लो, टी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो एम टू जी माइनस एम वन म्यू जी दैट इक्वल टू एम टू प्लस एम वन इंटू ए। देखो टेंशन पूछा है कि नहीं, तो टेंशन निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन के बाद इस एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो टेंशन अपने आप निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी इंटू एम टू माइनस एम वन यू बाय एम वन प्लस एम टू। अब एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू, ए का वैल्यू क्या है, ये है जी इंटू एम टू माइनस एम वन म्यू बाय एम वन प्लस एम टू। अब इसे सॉल्व करो, कौन सॉल्व करेगा, मैं सॉल्व करूंगा, ओके चलो कर लेते। तो क्या होगा, एम टू जी ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टी उधर जाकर प्लस हो जाएगा। एम टू जी एम टू माइनस एम वन यू बाई एम वन प्लस एम टू इक्वल टू टी, ओके। ये मैंने एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, सारे के बाई आकर यहां पर एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, ओके। अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, कैसा होगा मल्टीप्लाई, चलो एम वन एम टू जी प्लस एम टू जी, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करो माइनस एम टू जी, ये माइनस माइनस प्लस एम वन एम टू जी म्यू दैट बाय एम वन प्लस एम टू दैट इक्वल टू टी। तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बचा क्या एम टू प्लस एम वन एम टू जी म्यू बाई एम वन प्लस एम टू। तो मैं यहाँ पर क्या कमन निकल सकता हूँ, क्या कमन 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 क्या होगा, कमन क्या होगा, देखो थोड़ा कहाँ गलत हुआ है क्या, हाँ यहाँ पर इसको कटना चाहिए, इसको नहीं। तो क्या बचा, एम वन एम टू जी प्लस एम वन एम टू जी इंटू म्यू बाय बाय एम वन प्लस एम टू दैट इक्वल टू एम वन एम टू जी कॉमन चला गया, वन प्लस म्यू बाय एम वन प्लस एम टू दैट इक्वल टू टी। कौन सा आंसर बराबर होगा, म्यू के जगह पर हम क्या ले लेंगे, म्यू के, तो कौन सा आंसर बराबर होगा, ये वाला आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू स्टोन है ऑफ मास m एंड 2m आर व्हील इन हॉरिजेंटल सर्किल, द हेवियर वन इज रेडियस r बाई टू एंड लाइटर वन इज रेडियस r, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन, देन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, देन द वैल्यू ऑफ m। क्या कहा है, दो मासेस वाला ऑब्जेक्ट को रिल्ड कर लिया गया है, मीन्स एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर लिया गया है, ये हो गया लाइटर जिसका मास है m, ये हो गया हेवियर जिसका मास है 2m। जहां पर कनेक्ट किया है, यहां पर कनेक्ट किया है, जैसे कि ये लाइटर मास का जो रेडियस होगा r, हेवियर मास का जो रेडियस होगा r by 2। मान लो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F1 है, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है F2 है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक स्पेशल टाइप का फोर्स नहीं है, जो फोर्स जिस फोर्स सेंटर के तरफ एक्ट कर रहा है वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर दिया है F1 इक्वल टू F2, इसका मान लो वेलोसिटी V1 है, इसका मान लो वेलोसिटी V2 है, तो M1 V1 by R1 square that equal to M2 V2 by R2 square। ये जो लाइटर पार्ट है ये हो गया क्या, हेवियर पार्ट है, लाइटर पार्ट का जो मास है M है,
इसका जो भी वन है, इसका जो रेडियस है आर है स्क्वायर, इक्वल टू एम टू का जो मास है 2m है, इसका जो वेलोसिटी भी 2 है, इसका जो रेडियस है आर बाई 2। तो क्या होगा, एम एम कैंसिल, भी वन बाई भी टू दैट इक्वल टू, ये आर बाई टू ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा, 4 4। देखो देखो गलत हो गया, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम वी बाई आर स्क्वायर नहीं, ओके एम वी वन स्क्वायर बाई आर है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू आर, यहां पर क्या बचा है 1 बाई आर बचा है, तो ये आर कैंसिल हो गया, वी वन स्क्वायर बाई वी टू स्क्वायर दैट इक्वल टू 4, वी वन बाई वी टू इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट निकाल लो, देख भी वन इक्वल टू 2 भी 2। तो लाइटर जो है वो कितना टाइम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, जिस फोर्स सेंटर के तरफ, ये एक सर्कुलर मोशन है, ये एक रेडियस है, जिस फोर्स सेंटर के तरफ एक्ट हो रहा है वो हो जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। इसका डायरेक्शन क्या है, टू आर द सेंटर एलोंग द रेडियस, ओके देन इसका फॉर्मूला वैल्यू क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज द रेडियस, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पीरियड ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इस वीडियो को यहाँ पर रखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगले जितने भी क्वेश्चन है हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा और एक बात है, हमारा इंडिया में जो कोविड का सिचुएशन है, अब हमारा इंडिया में एक त्यौहार चल रहा है, कौन सा त्यौहार, वैक्सीनेशन का त्यौहार चल रहा है, जो कि एक बड़ा त्यौहार, तो हमें सब साथ होकर इसको कंप्लीट करना है, इसको हेल्प करना है, जैसे कि ये सॉल्व हो। हमारे चारों तरफ जो लोग रह चुके हैं और रहते हैं, उनका माइंड में ये चल रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन के बाद कोई बीमार हो जाएंगे, कोई मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन टू एवे ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो हमें हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनको समझाना चाहिए कि आप चलिए वैक्सीनेशन में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन ही हमारा जिंदगी को फिर से खड़ा कर पाएगा, ओके देन मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, सर्च करते जाइए। थैंक यू सो मच।